गुड इवनिंग सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, हम ये टॉपिक ज्यादा बड़ा और किसी विशेष टॉपिक के लिए नहीं लेकर के आए हैं, लेकिन आपकी अभी के अंदर 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। आप सभी विद्यार्थी इस बात से परिचित भी होंगे कि बहुत कम समय अब हमारे पास में रहा है। यदि 12th क्लास में आप लोग हो तो आपके पास में तो बहुत कम समय रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन अब जितना समय बचा है, उतने समय में हम कैसे बेस्ट आउटपुट पा पाएं, कैसे हम कम समय में हमारी रणनीति को और बेहतरीन बना पाएं, इन सभी के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा ये YouTube चैनल पे पहला वीडियो होगा जो आपके लिए एक प्रॉफिट और आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रिय साथियों, बहुत से विद्यार्थियों की, जो एग्रीकल्चर फील्ड के विद्यार्थी होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आती है कि हमें हमारी सब्जेक्टों के अंदर बुक से पढ़ा दिया जाता है, हमें कुछ उनके इंटरनली चीजें हमें नहीं बताई जाती, हमें समझ में नहीं आता। तो ये काफी बच्चों का एक प्रॉब्लम वाला वीडियो मैं सोच रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन का वीडियो होना चाहिए, जो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आपके लिए प्रॉफिटदार हो सके। तो विद्यार्थियों, ज्यादा समय अपन खराब नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी का मैं एक टॉपिक लेता हूं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। आप सभी को पता होगा उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। आप सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना है कि हमारे एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे जेट की एग्जाम हो, चाहे 12th बोर्ड की परीक्षा हो, यहां तक कि ये टॉपिक नीट और 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी प्रॉफिटदार होता है, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, सबसे पहले अपने को शब्द को देखना है, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, आप सभी जानते हो प्रौद्योगिकी जो है वो अंग्रेजी में इसे अपने टेक्निक कहते हैं, टेक्निकल कहते हैं, और आप सभी को पता होगा कि यदि कोई टेक्निकल है तो उसे अपने तकनीक कहते हैं। और जैव का मतलब आप सभी जानते हो कि कोई जीवित पदार्थ है, कोई सजीव है, या मैं यहां पे इसके लिए लिख देता हूं सजीव। यानी आपको बहुत से ऐसे प्रक्रम करने हैं, बहुत से ऐसे प्रक्रियाएं दोहरानी है, बहुत से ऐसी तकनीक खोजनी है जो सजीवों का आपके लिए फायदेमंद हो सके। अगर बात करें जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा की, तो मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में इसकी परिभाषा बताऊं तो कोई भी जीव या उस जीव का उत्पाद। उत्पाद का मतलब जानते हो, जैसे मान लो कि किसी जीव से और कुछ बन रहा है तो वो क्या होगा, उसके लिए उत्पाद होगा। जीव या उसके उत्पाद, शब्द को दोबारा सुनना, जीव या उसके उत्पाद। जैसे मैं अभी आपके सामने एक शब्द लेके आऊंगा, एक सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है इकोलाई, ये स्वयं इकोलाई भी हो सकता है, और इसके उत्पाद का मतलब है कि इससे हमें जो अन्य साधन प्राप्त होते हैं वो इसके उत्पाद होते हैं। तो कोई भी जीव या उसके उत्पाद मानव कल्याण का कार्य करते हो, कौन सा कार्य करते हो, मानव कल्याण का, मानव हित का काम करते हो, तो वो सभी किसमें शामिल होंगे, बायोटेक्नोलॉजी में। यानी सीधी सी परिभाषा समझो, कोई भी यदि जीव या उसका उत्पाद मानव कल्याण का कार्य करता है तो उसे अपन सम्मिलित करते हैं जैव प्रौद्योगिकी में। किसमें शामिल करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में। अब यहीं से प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को कि जैव प्रौद्योगिकी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी पुरानी बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपको देखो एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताऊं। पुराने समय के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की कहानियां हैं, उस समय क्या होता था कि एक प्लेग महामारी फैलाने के लिए आपको पता है चूहे पे पिसू पाया जाता है, तो वो क्या करते थे, दुश्मन की सेना के अंदर उन पिसू और जो रोग फैलाने वाला प्लेग का जो जीवाणु है उसको चूहे के द्वारा दुश्मन की सेना में भेज दिया जाता था। जब दुश्मन की सेना में वो चूहे प्रवेश करते थे तो दुश्मन के सैनिक जो थे वो अपने आप ही बीमार हो जाते थे, और वो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, जब व्यक्ति बीमार हो गया तो वो लड़ने में कैसे समर्थ होगा। तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि एक चीज बताओ, किसी ना किसी टीम का तो उन्होंने मानव कल्याण का काम किया है, हालांकि दुश्मन की सेना को तो नुकसान पहुंचाया है, लेकिन किसी ना किसी का तो मानव कल्याण किया है। दूसरी होती है आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी, याद रखना इसको। इसमें मैं एक शब्द लिख रहा हूं, उसका नाम है पुनर्योगज डीएनए,
पुनर्योगज डीएनए। ये शब्द आप बहुत ज्यादा मात्रा में बायोटेक्नोलॉजी में सुनने को मिलता है। क्या नाम है अपने टॉपिक का? पुनर्योगज डीएनए। इस शब्द को देखो, पुनर्योगज डीएनए होता क्या है? देखो, सीधा सा अर्थ अगर आप इसका लोगे तो सबसे पहले इस शब्द को पकड़ो, इसका अर्थ है डीएनए। और डीएनए कहीं पे भी लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाना ये भाई अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है ये? अनुवांशिक पदार्थ। आपको पता हो अपना अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। लेकिन सर, इससे पहले जो ये पुनर्योगज शब्द जोड़ा गया है, इसका क्या अर्थ है? मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने। आपके शरीर में एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है, उसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है भाई उसका? अग्नाशय। और अग्नाशय जो होता है उससे आपका इंसुलिन स्रावित होता है। अपन वहां प्रवेश नहीं करेंगे कि अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्त्रावण किया जाता है। आप नॉर्मली समझो, इंसुलिन का स्त्रावण किया जाता है। और ये जो इंसुलिन है साथियों, ये आपके शरीर में जो सुगर होती है, जो शर्करा होती है, उसको नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? सुगर या शर्करा को नियंत्रित करता है। अब ऐसे मान के चलो कि किसी मानव के अंदर ये इंसुलिन बनना बंद हो गया, कोई ना कोई जीन में त्रुटि आ गई, कोई ना कोई इंसुलिन बनाने के जो जीन्स थी उनके अंदर कोई ना कोई विकृति आ गई जिससे इंसुलिन का स्त्रावण नहीं हो रहा। अब हमने क्या किया? सबसे पहले, अब डीपली चर्चा अपन बाद में करेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है, इकोलाई क्या होता है। मान लो मैं, ये कोई मेरे पास में सूक्ष्म जीव था, ये मेरे पास क्या है साथियों? सूक्ष्म जीव। और इस सूक्ष्म जीव के अंदर कुछ आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है, हालांकि मैं इसको नाम प्लाज्मिड दूंगा, लेकिन समझते चलो। मैंने क्या किया? सबसे पहले इस आनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकाल लिया। मैं दूसरे पेन से आपके सामने ये बना देता हूं कि मैंने इसके आनुवांशिक पदार्थ को क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। अब देखना, पहले मुझे ये बताओ, आप इसको बाहर निकालने के लिए क्या इसके बाहर की भित्ति को नहीं तोड़ना पड़ेगा? क्या तोड़ना पड़ेगा? जब इसको बाहर निकाल के लेके आएंगे साथियों, तो बाहर निकाल करके मैंने क्या किया? इसको छोटा सा काट दिया यहां से। अब किसकी सहायता से काटे, ये अपन थोड़ी देर बाद में ये देखेंगे, लेकिन मैंने इसको काट दिया। काटने के बाद में आपके शरीर से मैं जो आपके शरीर की जो इंसुलिन थी, जो जीन इंसुलिन आपके हार्मोन का निर्माण कर रही थी, उस जीन को लाकर के मैंने यहां पे जोड़ दिया। ये अपना डीएनए नहीं है, ये किसी सूक्ष्म जीव था। और उसके साथ में मैंने किसको जोड़ दिया? मैं इसका नाम बोलूंगा वांछित जीन। क्या बोलूंगा भाई? वांछित जीन। सर, वांछित जीन शब्द क्यों यूज में लिए? वांछित का मतलब है आपकी इच्छा अनुसार। मैंने इंसुलिन जोड़ा है, मेरी इच्छा होती तो मैं कोई दूसरी जोड़ता, इसलिए मैंने इसका नाम क्या जोड़ दिया? वांछित जीन। और ये जो मेरे पास में दूसरा बड़ा वाला व्हाइट कलर का बनाया हुआ है, इसका नाम मैं लूंगा भाई वाहक डीएनए खंड। सर, इसका वाहक नाम क्यों दिया? डीएनए ले लो या जीन लिख लो, इसका नाम वाहक इसलिए दिया मैंने क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी वांछित जीन को अपने साथ जोड़ करके वापस इसमें ले जाएगी। जोड़ दिया, जोड़ करके अब मैं क्या करता हूं, इसको वापस किसमें प्रवेश करवा देता हूं? इस सूक्ष्म जीव में। अब ये आपका सूक्ष्म जीव और ये इसका ये अनुवांशिक पदार्थ, और इस अनुवांशिक पदार्थ के साथ में ये आपकी क्या जुड़ी हुई है? वांछित जीन। इसको नहीं पता कि मेरा पोस्टमार्टम कर दिया गया, मेरे साथ में क्या क्या कर दिया गया। और जब ये अपनी संख्या बढ़ाएगा, एक से दो होगा, तो साथियों बड़े कमाल की बात ये है कि अपने जो जीन थी, अपनी जो जीन थी इंसुलिन बनाने वाली, उसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? दो। एक से कितनी हो गई? दो। दो से कितनी हो जाएंगी? चार। चार से आठ। और अपने पास बहुत ज्यादा मात्रा में भंडार बढ़ जाएंगे इंसुलिन के। ये अगर बनाना चाहो तो इसे जल्दी से बना लो। अब मैंने वर्ड लिखा था पुनर्योगज डीएनए। कौन सा नाम लिखा है भाई मैंने? पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए ये महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। वाहक डीएनए या वाहक जीन प्लस वांछित जीन, इन दोनों को आपने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद में ये जो नया ही आपका एक डीएनए भाग बन गया, इसी का नाम क्या है साथियों? पुनर्योगज। यानी वाहक डीएनए, वाहक डीएनए प्लस वांछित जीन। बच्चों, ये जीन जो है ये डीएनए का ही खंड है। जीन जो शब्द यूज कर रहा हूं मैं, ये जीन जो है ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है।
तो ये डीएनए तो वाहक का था, उसमें अपन ने किसको जोड़ दिया, वांछित जीन को। अब इसका नाम नया ही क्या निकाल दोगे आप, पुनर्योगज रिकॉम्बिनेशन डीएनए। क्या नाम निकाल दिया भाई इसका, रिकॉम्बिनेशन डीएनए। तो पुनर्योगज डीएनए क्या होता है साथियों, वाहक डीएनए, वाहक डीएनए प्लस वांछित डीएनए खंड या जीन, ये दोनों मिलकर के अपना नया ही नाम क्या निकालेंगे भाई, पुनर्योगज डीएनए। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और ये आपके लिए से मान के चलो बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत का एक अमृत शब्द है। ये सबको पता होना चाहिए कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। अब आपने एक चीज नोटिस की हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस जीव की इस भित्ति को तोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए, फिर मैं यहां पर ला करके आपको पता हो तो मैंने इसको यहां से काटा भी है, काटने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए, फिर मैंने वांछित जीन को जोड़ा है, जोड़ने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए। तो भाई यहां पे मुझे जो जो चीजें चाहिए मैं उनकी आपको लिस्ट बना के दे देता हूं कि मुझे इस बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या शब्द या क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले मैंने लिखा भाई मुझे चाहिए एंजाइम। क्या चाहिए, एंजाइम। और ये एंजाइम बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से एंजाइम चाहिए। पहला एंजाइम जो है उसका नाम मैंने लिख दिया लयनकारी एंजाइम। कौन सा एंजाइम भाई, लयनकारी एंजाइम। अब आप पूछोगे सर जी ये एंजाइम क्या काम करेगा भाई, जैसे मान लो ये सूक्ष्म जीव है, इसका अनुवांशिक पदार्थ ये रहा, ये प्लाज्मिड है, अगर मुझे प्लाज्मिड को बाहर निकालना है तो क्या इसकी भित्ति को नहीं तोड़ना पड़ेगा, क्या दीवार बिना तोड़े आप किसी चीज को बाहर निकाल ही नहीं सकते, या तो गेट से निकालना पड़ेगा, अगर गेट नहीं है तो गेट बनाना पड़ेगा। भाई हमने गेट बना दिया लेकिन तोड़ा किससे है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, लयनकारी एंजाइम, यानी तोड़ने वाले एंजाइम, तोड़ने वाले एंजाइम। अब आप पूछोगे सर जी तोड़ने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, तोड़ा किसको है, भित्ति को, और भित्ति जो है वो पादपों के लिए, पादपों की भित्ति किसकी बनी होती है, पादपों की भित्ति किसकी बनी होती है बता दो मुझे जल्दी से, पादपों की भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, पेक्टिन की, सुमेरिन की। और आपको याद होगा अगर सेल्यूलोज कहीं पे नाम आ रहा है तो सेल्यूलोज को तोड़ने वाला कौन है, सेल्यूलोज को तोड़ने वाला कौन हो गया, सेल्यूलेज। ओके, अगर सर पादप की जगह आप कवक ले रहे हो तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है साथियों, काइटिन की, यानी जो बाहर का आवरण है वो किसका बना होता है, काइटिन का, इसलिए इसको तोड़ने के लिए कौन चाहिए, काइटिनेज, काइटिनेज। और अगर यहां पे कोई जीवाणु दे दे तो जीवाणु को तोड़ने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम। कौन तोड़ेगा भाई, लाइसोजाइम। तो जल्दी से इसे नोट कर लो कि सबसे पहला एंजाइम हमने कौन सा लिया, लयनकारी एंजाइम, जो तोड़ने वाला एंजाइम है, पादपों के लिए कौन सा लेके आओगे, सेल्यूलेज। आपने मेरे को कहा कि सर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई प्रयोग करना है, तो अगर हम पादप को चुनते हैं वाहक के रूप में तो बताओ कौन सा एंजाइम लाऊं, सेल्यूलेज। अगर कवक को चुनता हूं काइटिनेज, जीवाणु को चुनता हूं लाइसोजाइम। जल्दी से इसको नोट करते हुए चलो, साथ साथ में लिखते हुए चलो, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, पढ़ते रहो, क्योंकि हमें प्रयास, हमारा जो छोटा सा प्रयास है वो आपकी परसेंटेज बनाना है, आपको बेहतरीन विकल्प मिलने चाहिए, आपकी जेट की एग्जाम हो उस जेट की एग्जाम में आपके क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। दूसरा एंजाइम ध्यान से सुनना, भित्ति को तोड़ दिया मैंने, अब तोड़ते ही मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई मैं निकाल लाता हूं आपका ये जो अंदर का अनुवांशिक पदार्थ था इसको मैंने बाहर निकाल लाया, ये लो भाई मैं निकाल के आपके सामने प्रदर्शित कर दिया, सभी को नजर आ रहा होगा, एक बार जल्दी से देख लीजिए कि आप सभी को नजर आ रहा है क्या, ये मैं आपका अनुवांशिक पदार्थ बाहर निकाल लाया। अब आपने कहा सर जी हमें हमारी जीन को चिपकाना है, हमारी जीन को इसके साथ में जोड़ना है, तो सर इसमें कोई भाग काटो तो सही ताकि मैं जोड़ सकूं, तो भाई इसको काटने वाला एंजाइम जो होगा उसका नाम है विदलन एंजाइम। कौन सा एंजाइम भाई, विदलन एंजाइम। चलो भाई जल्दी से नोट करो कौन सा एंजाइम है, विदलन एंजाइम। ओके, कौन सा एंजाइम, विदलन एंजाइम। ये विदलन एंजाइम तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक्सोन्यूक्लिएज। ओके, दूसरा नाम एंडोन्यूक्लिएज और तीसरा नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसका हिंदी में नाम लिख दूं प्रतिबंधन एंजाइम।
ओके, ध्यान से सुनना भाई, ये तीन शब्द मैंने लिखे हैं और आपके सामने मैंने एक वर्ड बोला है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ दो हो सकते हैं, या तो होगा डीएनए या होगा आरएनए। याद रखना भाई, अनुवांशिक पदार्थ कितने हो सकते हैं, या तो डीएनए या आरएनए। अगर डीएनए होगा तो डीएनए जो है वो आपके सामने कैसा होता है विद्यार्थियों, दो लड़िए। आप हमेशा लिखते हो ना द्वि लड़िए डीएनए, द्वि लड़िए डीएनए, मतलब कैसा है ये, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कितनी लड़ियां हैं डीएनए की, दो लड़ियां हैं। और ये जो दोनों लड़ियां होती हैं ये आपस में जुड़ी होती है हाइड्रोजन बंध से। किससे जुड़ी हुई है भाई, हाइड्रोजन बंध से। अब देखो, जैसे वो मैंने आपके गोला सा बनाया है, उस गोले को मैंने यहां पे आपके सामने लाके प्रदर्शित कर दिया, भाई आपका अनुवांशिक पदार्थ है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसको किनारों से काटेगा। कहां से काटेगा, किनारों से। याद रखना भाई, ये कहां से काटता है, किनारों से काटेगा, किनारों से काटेगा। ओके सर, ये कहां से काटेगा, ये किनारों के अलावा कहीं से भी काट सकता है, बस किनारों पे नहीं काटेगा, किनारों के अलावा, किनारों के अलावा अन्य भाग से, अन्य भाग से ये इसको काट देगा। अगर बात करें प्रतिबंधन एंजाइम, अरे यही तो है अपने लिए महत्वपूर्ण। और इसका नाम बताऊं शॉर्ट में, आरई। याद रखना, अपन लकड़ी काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आरई का। तो तुम्हें पूछे कि अनुवांशिक पदार्थ को काटने के लिए कौन चाहिए, आरई। कौन चाहिए, आरई। और आरई जो होती है ये काटती है भाई विशिष्ट स्थलों से। कहां से काटती है, विशिष्ट स्थलों से। जो आपका अनुवांशिक पदार्थ है उसको विशिष्ट स्थलों से काटने का काम कौन करता है, प्रतिबंधन एंजाइम आरई करता है। याद रखोगे, ये दोनों याद रहे तो ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि प्रतिबंधन एंजाइम सबसे पहले कोशिका भित्ति को तोड़ने वाले कौन थे, सेल्यूलेज, काइटिनेज और लाइसोजाइम। लेकिन वही बात करके चले कि आपके अनुवांशिक पदार्थ को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, आरई, प्रतिबंधन एंजाइम। और एक छोटा सा दौड़ चिपका दो कि पहला आरई कौन सा खोजा गया था, पहला आरी कौन सा खोजा गया था साथियों, पहला आरी कौन था, हिंड सेकंड, हिंड सेकंड। सर ये क्या नाम है, ये नाम हमें नहीं समझ में आ रहा, हिंड सेकंड नाम क्यों पड़ा। ये अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना है, जाति, वंश, प्रभेद और जो रोमन संख्याएं होती हैं उन सभी से मिलकर के इसका नाम बनता है। लेकिन आओ अपन आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपने किसको काट दिया, सबसे पहला एंजाइम सर जी हमने लिया लेनकारी एंजाइम। कौन सा लिया, लेनकारी एंजाइम। और सर ये जैसे मान लो कोई सूक्ष्म जीव था, हमने ये लेनकारी एंजाइम इसकी कोशिका भित्ति पे डाला और सर जी इसको नष्ट कर दिया, ये लो हमने तोड़ दिया। समझते चलो, नीचे मैं चित्र बना देता हूं लेनकारी एंजाइम का। दूसरा एंजाइम आपने लिया विदलन, और विदलन में एक नाम आपको आना चाहिए आरी। ये आरी क्या काम करेगा, ये अनुवांशिक पदार्थ जो बाहर निकाले हो इसको तोड़ देगा। तोड़ दिया, अब तोड़ क्यों रहे हो, इतनी खोटाभराई क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि तुम्हारे को कोई ना कोई जीन जोड़ना है। ये जीन तुम्हारी वांछित जीन है, तुम्हारी इच्छा अनुसार जीन है, ठीक है भाई। अब अगला एंजाइम आएगा, उसका नाम है लाइगेज। भाई कुछ नहीं है, फेविक्रिप है। क्या है ये, फेविक्रिप। ये क्या काम करेगी, आपके जो वाहक का डीएनए था इसके साथ में आपकी जो अनुवांशिक वांछित जीन जो है इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज। चलो बच्चों दोबारा से आओ, लेनकारी एंजाइम भित्ति को तोड़ दिया, विदलन आरी अनुवांशिक पदार्थ को काट दिया, आरी नाम तो याद रहेगा ना, ओके। लाइगेज अब जो काटे हो उस भाग में हमारी इच्छा अनुसार जीन को जोड़ने का काम करेगा। चाहो तो किसी कॉपी के लाइन पे ये जल्दी से चिपका दो, तीनों के तीनों चित्र याद रहेंगे। लेनकारी तोड़ने का काम करेगा भित्ति को, आरी अनुवांशिक पदार्थ को काटेगा, लाइगेज आपकी इच्छा अनुसार जीन को जोड़ने का काम करेगा, ओके। ये तीनों एंजाइम आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है भाई। ये ऐसे मान के चलो बोर्ड की परीक्षा में यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। एक तो पुनर्योजी डीएनए क्या है, वाहक डीएनए, वांछित जीन जो थी दोनों को जोड़ दो, और जोड़ करके जैसे ये जो मैंने बनाया है ना आपके सामने, अब इसका नया ही नाम क्या दोगे, पुनर्योगज डीएनए। क्योंकि ये तो किसका था, पीले वाला कलर वाला तो किसका है भाई, वाहक का। और इतनी सी जीन कौन सी आपकी,
इच्छा अनुसार आप जो प्राप्त करना चाह रहे हो वो वांछित जीन है, इसलिए इसका नाम क्या, नए नाम क्या निकाल दोगे, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, याद रहेगा ये। चलो जल्दी से इसको अगर चाहो तो छापना, जल्दी से छाप लो, लेकिन अपने को ये याद भी होना चाहिए क्योंकि अपने लिए क्या है ये महत्वपूर्ण। हाँ, एनर्जी बना के रखनी है, अभी बोर नहीं होना, एनर्जी तुम्हारे अंदर रहेगी तो ही काम कर पाओगे, एनर्जी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब तो अंतिम समय है, सर्दियों का मौसम है ना, जल्दी से बैठे बैठे वीडियो को देखते रहो, पेन कॉपी हाथ में रखो और अपने को ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो सीधा उसको लगना चाहिए कि भाई मोर टैलेंटेड बच्चे ने अपना आंसर लिखा है। चलो तो टैलेंटेड बच्चों जल्दी से और आगे की कहानी अपन प्रारंभ करते हैं। यहां मैं बहुत सा बीच का एक पार्ट है जिसमें आप लोगों को दूसरी चीज, पहली चीज एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम लिया अपने, लेनकारी एंजाइम जिसमें पादपों के लिए सेल्यूलेज, कवकों के लिए काइटिनेज और जीवाणुओं के लिए लाइसोजाइम, दूसरा फिर अनुवांशिक पदार्थ को काटने वाला आरई, कौन सा लिया आरई, फिर चिपकाने वाला लाइगेज, अब ले रहे हैं हम वाहक। वाहक का मतलब जैसे भाई ये मैं सूक्ष्म जीव ले रहा हूं, बस ये सूक्ष्म जीव ही तो क्या है, वाहक है। लिख दूं वांछित जीन को, वांछित जीन को ले जाने वाला, ले जाने वाला किसको ले जाने वाला, वांछित जीन को। आओ ध्यान से सुनो, तुम्हारे शरीर में एक वायरस फैलाता है रिट्रोवायरस, ठीक है, जिसे आपके शरीर में जुकाम भी होती है, कैंसर भी होता है, ये वायरस है और ये वायरस जो है ये आपके शरीर में क्या करता है भाई, कोई रोग फैलाता है। अब एक स्टूडेंट आप में से जो बैठा है दुबला पतला सा है, बहुत ढंग से खाना पीना खाया है, बढ़िया तरीके से लेता है, लेकिन फिर भी मोटा नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, आज उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ये जो रिट्रोवायरस है ये आपके शरीर में मान के चलो क्या फैला रहा है, कैंसर फैला रहा है। आपने एक वीडियो देखे होंगे कभी कि सांप को भी आदमी खा जाता है, लेकिन उसकी जो जहर की नली आती है ना उसको बाहर निकाल के, मतलब एक चीज समझ में आई, पूरा सांप जहरीला नहीं है, सांप की एक छोटी सी नली है वही जहरीली है। तो वही बात इसमें, पूरा का पूरा रिट्रोवायरस कैंसर फैलाने वाला नहीं होता, जैसे ये पूरा का पूरा आपका वायरस, वायरस की अनुवांशिक पदार्थ और इसमें छोटा सा भाग। जैसे मैं आपकी बात करूं, आपके शरीर में कितने गुणसूत्र हैं, 46, कितने गुणसूत्र हैं भाई, 46, और इन 46 गुणसूत्रों में छोटे छोटे टुकड़ों में खंड पाए जाते हैं और इन खंडों को कहा जाता है जीन। क्या कहते हैं, जीन। जैसे तुम्हारी आंखों का रंग का निर्धारण करती है, तुम्हारे बालों के रंग का निर्धारण करती है, तुम्हारी हाइट का निर्धारण करती है, ये सारे कौन कार्य कर रहा है, जीन। ध्यान रखना भाई, अनुवांशिक पदार्थ कौन है तुम्हारा, डीएनए, और डीएनए में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र, क्या मिलते हैं, गुणसूत्र, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, याद रखना, और उसमें छोटे छोटे खंडों को क्या कहते हैं, जीन। तो ये एक छोटी सी जीन थी, जैसे आपकी आंखों का रंग निर्धारित करने वाली भी इतनी सी जीन होती है, वैसे ये जो जीन थी ये फैलाती थी कैंसर। तुम्हें पता लग गया, तुम्हारा मन कर गया कि अब इसका मैं क्या कर दूं, पोस्टमार्टम कर दूं, आजो लियो कैची कांची, इसका क्या करते हैं, पोस्टमार्टम। पहले तो इसकी भित्ति को तोड़ने के लिए कौन चाहिए, एंजाइम चाहिए। अब यहां पे अपने पास वायरस है, ठीक है विद्यार्थियों, वायरस वगैरह की भित्ति वगैरह का तुम्हें पड़ा होगा कि होती है कि नहीं होती, अगर अपने पास जीवाणु होता तो तुम लाइसोजाइम लेते, पादप होता तो तुम क्या लेते, इसके अंदर सेल्यूलेज लेते, और अगर तुम्हारे पास कवक होता तो काइटिनेज। इसको मैंने बाहर निकाल लाया और निकाल करके तुम्हें पता है आरी ली, और आरी से ये लो मैंने आरी ले ली, आरी से मैंने क्या कर दिया, ये तो ज्यादा ही कट गया, लेकिन याद रखना ये मैंने काट दिया, आरी से काट दिया साथियों। अब काटने के बाद में मैंने एक जीन चिपका दी, जैसे मान ले वो स्टूडेंट मोटा नहीं हो रहा, मोटे होने वाली मैंने जीन चिपका दी, किससे चिपकाऊंगा, लाइगेज से, और इसे मैंने वापस इसमें भेज दिया कि ले वायरस, तेरा अनुवांशिक पदार्थ ले ले। अब इस वायरस को नहीं पता कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ अन्याय कर दी गई, ये मेरे साथ में चिपका के भेज दिया, तुम्हारे शरीर में जाएगा, जाते ही तुम्हारे शरीर में पहले तो काम करेगा ये, अपनी जनन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा भयंकर वाली, भाई सेना तो खड़ी करूं, भाई मेरी जब सेना होगी तभी तो मैं काम कर पाऊंगा, तो इसने अपनी संख्या बढ़ाई। संख्या बढ़ाने के बाद में इसने क्या काम किया, जब संख्या बढ़ेगी एक से दो होगा, जब दो होगा तो इसका अनुवांशिक पदार्थ भी डबल होगा, लेकिन अपनी देखो किस्मत कैसी है, अपने वाली जीन भी क्या हो रही है, डबल हो रही है, कलर पे मत जाना, अपने वाली जीन भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। ये राज्य हो रहा था कि भाई इसके शरीर में मैं रोग फैलाऊंगा, लेकिन ये भूल गया कि मेरी जीन को निकाल के इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार जीन जोड़ दी गई, ये हमारा वाहक है,
ये हमारा क्या है, वाहक है। तो वाहक के लिए आप लोगों को कुछ लाइनें याद रखनी है और ये वाहक बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे वाहक की बात करके चलूं मैं, तो वाहक जंतुओं के लिए तो कौन होगा, रिट्रोवायरस। किसको लोगे भाई, रिट्रोवायरस को, ये आपका वाहक है। पादपों के लिए आप किसको लोगे, यदि आपके पास पादप है तो पादप के लिए कौन से वाहक का यूज करोगे, टी आई प्लाज्मिड। किसका यूज करोगे भाई, टी आई प्लाज्मिड। कौन लोगे, टी आई प्लाज्मिड। एक और होता है आर आई प्लाज्मिड, याद रखना दोनों प्लाज्मिड हो गए। यदि हम यहां पे जीवाणु लेते हैं तो जीवाणु के लिए कौन होगा, सिर्फ नाम लिख देना प्लाज्मिड। कौन होगा भाई, प्लाज्मिड। नाम याद करो अभी, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना। जंतुओं के लिए रिट्रोवायरस, पादपों के लिए टी आई प्लाज्मिड या आर आई प्लाज्मिड, और जीवाणुओं के लिए प्लाज्मिड। ये आपके वाहक हैं जिनके अंदर अपन जीन को जोड़ करके किसी ना किसी वाहक के अंदर अपन किसी शरीर के अंदर भेजने का काम करेंगे। अब यहां पे आप जंतुओं के लिए रिट्रोवायरस, पादपों के लिए टी आई प्लाज्मिड, आर आई प्लाज्मिड, जीवाणुओं के लिए प्लाज्मिड। साथियों आपको याद हो तो आपकी बुक के अंदर टी आई प्लाज्मिड का चित्र दे रखा है, दे रखा है, और वो चित्र बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। अगले वीडियो में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण प्रोसेस आपको और बता दूं, ये अपने मुख्य रूप से साधन यही पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपके बुक में एक नाम दे रखा है, उसका नाम है पीसीआर। पीसीआर कैरी मुलिस ने ये अपने को पीसीआर खोज करके दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। इसका नाम होता है, पूरा नाम होता है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलोगे रे, अभिक्रिया। सर जी कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी दोनों ही चिपका दिया गया, पॉलीमरेज चैन अभिक्रिया। देखो पहले तो नाम में देखो रहे, एक चीज तो याद कर लो, जिस भी नाम के आगे पोली लग जाए, पोली का मतलब होता है अनेक। पोली का मतलब क्या है, अनेक। सर जी इतना तो पता लग गया कि ये जो विधि है ना किसी को एक से अनेक बना के छोड़ेगी, एक से अनेक बना के छोड़ेगी। और भाई पीसीआर विधि जो है इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि डीएनए की क्या करती है, ये फोटोकॉपी की मशीन है। डीएनए फोटोकॉपी की मशीन है, फोटोकॉपी की मशीन। सर ये क्या लिख रहे हो, मशीन का मतलब है एक डीएनए से कितने डीएनए बना के देगी, दो दो से चार, चार से आठ, 10 लाख गुना अधिक डीएनए बना करके ये अपने को देने वाली मशीन है। डीएनए क्या है, आपका आनुवंशिक पदार्थ, और कितनी लड़ियों में पाया जाता है, 2 लड़ियों में ये अपने को मिलेगा। आपका आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए, और डीएनए में कितनी लड़ियां पाई जाती है, 2 लड़ियां इसमें पाई जाती है, ये हाइड्रोजन बंद जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस में आपको क्या करना है, इसको आपको करना है गर्म, यानी आप क्या करोगे 94 डिग्री का जो तापमान है बिल्कुल भयंकर ताता पानी करना है, और उस ताते पानी में आपको इस डीएनए को डाल देना है। जब आप इस डीएनए को डाल दोगे तो साथियों इस डीएनए के जो हाइड्रोजन बंध है कौन टूट गए रहे, एच बंध टूट जाएंगे। कौन टूट गए, एच बंध। सर जी ताते पानी में डाल दो तो हर कोई टूट जाए, हर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाए, यहां तो एच बंध टूट रहे हैं। ये लो भाई दोनों के दोनों एच बंध टूट गए। जैसे ही एच बंध टूटे आपने क्या किया, इसे 50 से 60 डिग्री के आसपास तापमान पे ठंडा कर दिया। पहले कितना हो गया था 94, अब कहां